जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के इलाके देवबंद में। अब हम चलेंगे सहारनपुर। सहारनपुर में एक ऐसी फैमिली है जो बेहद ज़्यादा परेशान है। इकलौता बेटा है और वो बेटा अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इस फैमिली को आपकी मदद की ज़रूरत है। अब चलते हैं सहारनपुर और उस फैमिली के पास में। भीख मांग मांग के लोग, अल्लाह को पता, मुझे पता, घर से चली तो जाओ, शर्म लगे बहुत, क्या करूं। बच्चे तुझे सहम में, मुझे कुछ नहीं हुआ, अपनी मम्मी को जिंदा रखना चाहता हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ इस फैमिली के लिए। और मैं इस वक्त सहारनपुर में हूँ। सहारनपुर से मैं सीधी आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। एक फैमिली है और किस हालात में फैमिली है, मैं इसकी तस्वीरें पे आपको दिखाऊंगा। ये इनकी माँ है, इस बच्चे की माँ है, इसका नाम फैसल है सर। इस बच्चे का नाम फैसल है और डेढ़ महीने पहले इस मेरे भाई का एक्सीडेंट ही बोलेंगे, क्योंकि ये एक नाले में गिर गया था और नाले में गिरने के बाद में आज किस कंडीशन में है मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, ज़िंदगी और मौत के बीच में ये जूझ रहा है, इसका पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है। करीबन 4 से 5 लाख का खर्चा इनके इस पूरे काम में आ गया। इनकी माँ है, बहन आप रो मत, ठीक है। अब ये बताओ, मैं समझ सकता हूँ आपकी कंडीशन, क्या कंडीशन है आपकी, आज कंडीशन क्या है इस बच्चे की आप देख सकते हैं। इसकी अगर मैं देखे, ऑपरेशन होके और इस सर की हड्डी, इस भाई की सर की हड्डी यहाँ पर रखी हुई है। समझ तो रहा होगा ये भाई, ये कोशिश भी कर रहा है, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, समझ भी रहा है ये, लेकिन क्या इसकी ज़िंदगी होगी। देखिए, यहाँ से इसको सांस यहाँ से मिल रहा है, इसको सांस की नली ये है। और इनके पास में जो कुछ भी था, कि जो कुछ भी था इस फैमिली के पास, वो सब कुछ ये अपना लगा चुके हैं। इनके जो शोहर हैं, आइए भाई, इनके जो शोहर हैं वो मजदूरी करते हैं, वो मिस्त्री हैं, और ये इनकी वालदा है लड़के की। और जब मैंने बात की इनसे तो कहा कि मुशाहिद भाई, ये मेरे दोस्त हैं, ये बच्चा मेरा दोस्त है, मैंने इस बच्चे को अपने दोस्त की तरह पाला है। ये माँ है, आप इसका दर्द समझ सकते हैं। बहन प्लीज़ थोड़ा सा बताओ प्लीज़, कि क्या कंडीशन है आज की हालत में आपकी। बस इतना क्या सबको, अगर जिस भाई पे भी वो इस करो, कुछ नहीं कर सकती। हार गई, हम दो बेटे पहले खो चुकी, तीसरा से मोड़ पर पड़ा, कि मुझे खुद को नहीं पता कब तक मेरा बेटा मुझे बोल के क्या होगा। अम्मी, आपके दो बच्चे पहले इंतकाल हो चुके, दो बेटे जी, क्या क्या उम्र के थे? एक 5 साल का, एक 15 साल का जी। लास्ट बेटा एक बेटी है, जवान बेटी है, देख सकते, जवान बेटी है, उसकी भी शादी करनी है। और जो कुछ भी है, ये कमा के, ये फैमिली जो भी कमा के लाती है अपना, वो सिर्फ इसी बच्चे पे लगाती है। एक मजदूर की कितनी मजदूरी होती होगी, 15,000 कमा लेते होंगे महीने में, मुश्किल से 12,000 कमा लेते होंगे, छुट्टी भी होती होगी। जितनी मजदूरी लावा इतनी तो हमसे भाई को दे दें, जैसे डॉक्टर लगा रखा है। खाना भी नहीं हमारा अपने पास है, खाना भी तू कोई भी दे जा, कुछ भी चीज दे जा, कोई कुछ भी दे जा, मैं ना नहीं करती भी। कोई बेड की चादर या कंबल एक भाई ने दिया था बाहर रोड पे दुकान, उनके अल्लाह ताला ने रोजी दे परवरदिगार, उस भाई ने मुझे कंबल एकदम दे दिया। घर के पूछते तू कैसे लाती है, बाहर में भीख मांग मांग के लाऊ, अल्लाह को पता, मुझे पता, घर से चली तो जाओ, शर्म लगे बहुत, क्या करूं। दवाई भी भाई को कहीं फोटो दिखा के कुछ, देखो भाई मैं मजबूर हूँ, करो हेल्प करो मेरी। घर के सोचे के पता नहीं किस तरह क्या, बस मुझे पता है मेरे से इसका बगैर जिया नहीं जा रहा। मेरा वाकई मेरा दोस्त है। देखिए, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी हालत, मेरा बच्चा अच्छा कर दे, तो कुछ नहीं चाहिए, धन दौलत का क्या करूँ इसका, इस घर का। देखिए, एक माँ बाप है ना, जब तक उसका बच्चा जिस भी हालत में है, वो ये कोशिश करते हैं कि हमेशा कि बच्चा ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। लाचार बाप, लाचार माँ, ये कभी नहीं सोच सकते कि उसका बेटा उसके आंखों के सामने इस हालात में यहाँ पर पड़ा रहे।
ये सिर्फ सांसें ले रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा। मुझे पता नहीं इस बच्चे की जिंदगी कितनी है जी, ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ दिल्ली से 250 किलोमीटर चल के मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि इस बच्चे की अल्लाह जिंदगी लगाए, जितनी भी है इसे ठीक करे, और इसकी आपकी जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है, मदद की अपील हम करेंगे लोगों से भी। तो एक महीने की कितनी बहन कितनी वो आती है एक महीने की दवाइयाँ? कम से कम 10,000 मान के चलो, कम से कम है ये। इन्होंने एक डॉक्टर लगाया हुआ है, वो भी बहुत अच्छा है, हमने बात की उससे, लोकल डॉक्टर है यहाँ के। लेकिन ड्रेसिंग का ये हाल है कि मेरे पे देखी नहीं गई इनकी ड्रेसिंग, पूरा जो बैक है पूरी गल गई है, हिप गल गए हैं, कुल्ले गल गए हैं, और ये बच्चा बस, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने अल्फाज से क्या बोलूं इस बच्चे के बारे में। इसकी फोटो देखो, आप कितनी छारी देख के भी कोफ आवे, इसको मोबाइल देखिए। और कुछ नहीं चाहता मैं, मारा तो चाहे घर में ले जाओ। मुझे कहने वाला अम्मी जी, कहीं फोन भी करा, बेटे कहाँ पे हो तुम, सब कुछ छोड़ के पढ़ रहा, बस दसवीं में चाइल्ड साइड पढ़ रहा जी, चौथी चोट है जब भी एक आम में मुझे, तुम रोया ना करो, दुख कितना भी जा, घर झूठ बोला, मुझे कुछ नहीं आया बेटे तुझे, मैं मुझे कुछ नहीं आया, अपनी अम्मी को जिंदा रखना चाहता हूँ। इंजेक्शन रखा अभी फ्रिज में, मम्मी लगाऊंगा तुम्हारा अगर दर्द भी होगी, दुआ करियो मेरे बेटे के लिए, जितनी भी हो सके मंदिर मस्जिद कुछ ना छोड़िए, दुआ के लिए बस, दुआ की जरूरत है। इस बच्चे के लिए दुआ करें कि कम से कम ये मेरा भाई ठीक हो जाए, क्योंकि यही इनका सहारा है, यही एक लाल है। एक दो बेटे पहले इंतकाल हो चुके हैं। अगर आप सहारनपुर के हैं तो सहारनपुर में साहब किस क्या इलाका है ये? खत्ता खेड़ी है जी, सोहेला कॉलोनी। कौन सी कॉलोनी? सोहेला कॉलोनी। सोहेला कॉलोनी खत्ता खेड़ी। और इस मस्जिद का नाम क्या है जिसमें अजान हो रही है? समीम मस्जिद। समीम मस्जिद, ये सोहेला कॉलोनी समीम मस्जिद के पास ये रहते हैं। तो आप आइए सहारनपुर में, आइए इस बच्चे की मदद कीजिए, मुझसे जितनी मदद होगी मैं अपनी जात से मदद करूंगा। मैंने इनका अकाउंट नंबर, इनका मोबाइल नंबर डाला हुआ है, आप इनके अकाउंट में सीधी मदद भेज सकते हैं। उसी नंबर पे गूगल पे फ़ोन पे पेटीएम नंबर है, आप उसमें भी सीधी मदद कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपका अकाउंट नंबर डाला हुआ है, और उम्मीद है कि अब आपको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? नहीं मैं दिल से दुआ देती हूँ कि परवरदिगार तुम्हें खुश रखे, परवरदिगार खुश रखे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं शुक्रिया नहीं अदा करनी, शुक्रिया अदा करके तो मेरा फर्ज उतर जाए। उम्र लगा दे परवरदिगार, ये जो दुआ है ना मेरे भाई, ये दुआ खरीदी नहीं जाती, ये ना ये यहाँ से निकलती है, दिल से दुआ निकलती है। तो इस फैमिली का ख्याल रखिए, इस फैमिली को सपोर्ट कीजिए, अगर आप सहारनपुर में है, सहारनपुर के आसपास है, या सपोर्ट करिए यार, इस फैमिली को सपोर्ट करिए। मैं जब तक मेरे अंदर सांस है मैं सपोर्ट करता रहूंगा, अब मेरा रब मुझे दे रहा है तो क्यों ना सपोर्ट करूं मैं। तो ये थोड़ी है कि मैं सिर्फ अपने लिए लाया, अपने लिए, अपने लिए तो जानवर जीते हैं, ठीक है ना, अपने लिए जानवर जीते हैं। मेरा हक है कि मैं अपने भाई के लिए आऊं, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता थोड़ी है, कोई रिश्तेदार हो आप मेरे? कल मुझे पता चला, मेरे पास रात नहीं निकली इस भाई की कंडीशन देख के, मेरे कब सवेरा हो कब दिन निकले और मैं निकलूं। तो इंशाल्लाह मदद होगी आपकी, आप यकीन माने, आप इतनी मदद होगी कि आप लोगों को देंगी, ठीक है ना। आप किसी के सामने हाथ मत फैलाना आज के बाद में इंशाल्लाह, और मैं कोशिश करूंगा, मैं आपके टच में रहूंगा, कभी भी दिक्कत हो आप मुझे फोन करना, मैं जिस भी हालत में हूँ जैसा भी हूँ आपका भाई तैयार है हमेशा मेरी बहन, ठीक है ना। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये मेरा काम नहीं अकेले का, ये मुशाहिद का काम नहीं अकेले का, अगर मुशाहिद 200-200 किलोमीटर चल के जाए, 200-200 किलोमीटर चल के भाई की मदद करे, ये आपका भी काम है, पूछा आपसे भी जाएगा। सिर्फ अपने लिए जीना, अपने लिए मरना, ये कोई कलाकारी नहीं है, अपने लिए तो जानवर जीते मेरे भाई। सहारनपुर में बैठा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे कि एक आदमी 5-5, 10-10 लाख रुपए दे सकता है, लेकिन कोई देखने नहीं आता, कोई सुनने नहीं आता। अल्लाह ने दिया है ना तो उसको खर्च करना सीखो। मैं आज हार्ट हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको अल्लाह ने दिया है तो उससे पहले कि अल्लाह तुमसे छीन ले, अल्लाह तुमसे छीन ले, खर्च करो, लोगों की मदद करो। और ये जो आप दोगे ना, ये कभी भी कम नहीं होगा, पैसा कभी कम नहीं होता, सुन लो मेरी बात।
देने से माल हमेशा बढ़ता है, कभी घटता नहीं है। तो अल्लाह के वास्ते मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इस फैमिली के लिए। अल्लाह मैं किसी को ना लावा इस मोड़ पे। अभी हमसे जितनी मदद हुई और हमने जितनी मदद ले सकते थे, हमारे आशु भाई हैं उन्होंने 25,000 रुपये दिए हैं, आशु मलिक जी जो समाजवादी से हैं, कद्दावर नेता हैं, MLC हैं, और कुछ हमने मिला है तकरीबन 45,000 रुपये की। माशाल्लाह अभी 1 घंटे में मदद हुई है और इस 45,000 से मुझे उम्मीद है कि मेरे भाई का इनका इलाज शुरू होगा और दवाई का कम से कम इनके इनको दर दर की लोगों से मांगने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इनका अकाउंट नंबर भी अपनी वीडियो में डाला है, तो आप उनके सीधे अकाउंट में आप इनके मदद भेजें, इनका मोबाइल नंबर भी डाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का बहन। ये कुछ 45,000 रुपये हैं, इस 45,000 से मुझे उम्मीद है कि आप का दवाई का कम से कम आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा कि ठीक है ना, तो मदद मिलेगी इंशाल्लाह, आप परेशान ना हो। और मेरा भाई सब सुन रहा है इसको, है ना, इसको ये इसको इसका दिमाग काम कर रहा है लेकिन बॉडी काम नहीं कर रही, तो इसको एहसास है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग तमाम लोगों का, शुक्रिया बहुत बहुत दिल से शुक्रिया भाई जी। तो यूँ ही मदद करें और मदद का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा इंशाल्लाह। और अपने मोहल्लों में, इलाकों में, अपनी बस्तियों में खड़े हो जाइए, 1,000 मुशाहिद खड़े हो जाइए कि जिससे कोई ऐसा हमारा जो भाई है वो इलाज के अभाव में कम से कम ना रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ऐसे ही मोहब्बत बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।